बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं वकार कुरैशी और आप देख रहे हैं वकार कुरैशी वर्ल्ड न्यूज़ रिपोर्टर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। इससे पहले भी मैंने ट्रैवलिंग के हवाले से दो तीन चार पाँच छः वीडियोस यूट्यूब के अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। तो जैसा कि मेरे चैनल का जो नाम है न्यूज़ रिपोर्टर, तो बहुत सारी अहम खबरें हैं जो अंदर की खबरें मैं आपको दूँगा। तो आज की जो दो तीन अहम खबरें आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले कि आज तो एक तो मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, दूसरे नंबर पे आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जो जो भाई मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। उसके साथ लगे हुए जो आइकन है बेल का आइकन, उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना है। उसकी वजह यह है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में मैं बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूंगा, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरी जो इंफॉर्मेटिव वीडियो बराह रास्त आप तक पहुंच सकेगी। एक बात हो गई, और दूसरे नंबर पर जैसे कि मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है या मेंशन किया हुआ है कि ये जो चैनल है इसमें न्यूज़ के हवाले से अपडेट्स नहीं होंगी, इसमें बहुत सारी जो हैं इसमें गेम शोज़ भी होंगे, कुछ प्रैंक्स, फ़नी वीडियोस दोस्तों के साथ मिलकर मैं वो भी अपलोड करूंगा। उसके अलावा स्पोर्ट्स के हवाले से, यानी कि वर्ल्ड के जो ट्रेंड के हवाले से, हर किस्म के जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा। तो सबसे पहले आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उस दूसरी सब्सक्राइब करने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो टारगेट है वो 1000 सब्सक्राइबर का है, जो मैंने पूरा करना है। तो न्यू चैनल है, तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप आगे बढ़ने से पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की तरफ। आज की वो एम एक बड़ी खबर, दो तीन चार हैं, लेकिन सबसे पहले इस खबर पर नज़र डालते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हालिया एक पिछले दिनों में एक हुआ है, ऐलान किया गया है। ऐलान तो खैर ना समझें इसको, ज़राए का जो कहना है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खबर अभी न्यूज़ पे नहीं आई है, जो अंदर के मुज़ाकरात चल रहे हैं इस तरह जी। फवाद चौधरी जो हमारे वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उनकी तरफ से एक इनकशाफ हुआ है जी कि एक ऐप लॉन्च की जा रही है। उस ऐप में उसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो जो चाहे वो फेडरल जॉब्स हों चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जॉब्स हों, जिस एसोसिएशन में भी जॉब्स होंगी, तो वो अदारा जो है अपनी वो उसमें डाल देगा उस ऐप में। तो जब भी आपका उसमें आप जो जो भी चाहे यंग जनरेशन है चाहे ओल्ड है चाहे जिस तरह का भी है, जिसको भी जॉब गवर्नमेंट जॉब के जो सर्च कर रहा है वो, तो उसको वो वहाँ से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। और उसका तरीका जो है वो ये है कि आपको वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पे, अभी तक तो आई नहीं है, लॉन्च हुई नहीं है, लॉन्च होने वाली है, तो आपको गूगल से या गूगल प्ले स्टोर से आपको ये ऐप आसानी से मिल जाएगी। इसका नाम मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देता हूँ कि जी उस ऐप में होगा कि आपने इंस्टॉल करने के बाद आपने उस पर अपना जीमेल अपने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद वो आपको, अगर आप जॉब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए ये होगा कि आपको बाहर आगे पीछे अखबार में या दूसरी जगह पर सर्च नहीं करेंगे, वहाँ पर से आपको बराह रास्त एक तो मिल जाएगी, दूसरे नंबर पे ये होगा कि आप उसी जगह से अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे हुए। तो एक तो ये होगी। उसका जो ऐप का नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऐप का नाम है जिस तरह से ज़राए बता रहे हैं, अभी लॉन्च नहीं हुई है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अभी जो ऐप है ये लॉन्च नहीं हुई है। इसका जो नाम है नेशनल जॉब पोर्टल के नाम से ये ऐप है। तो जो ही ये ऐप लॉन्च होती है तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बताऊँगा, इसके फीचर्स के हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा, और इसके इस जो ही ऐप लॉन्च होगी उस टाइम भी मैं आपको एक इसके हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियो दूंगा। तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरे जो एक वेबसाइट है उसके भी बारे में आपको बता देता हूँ
कि जॉब प्लेस उसका नाम है, पाकिस्तान की ये वेबसाइट है जॉब प्लेस, वहाँ पर गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपने साइन इन करना है अपना, साइन इन करने के बाद वहाँ पर आपको टोटल जॉब्स की डिटेल जहाँ जहाँ पर है वो भी वहाँ पर भी मिल जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा इतनी पॉपुलर नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा वो नहीं है। तो इस वजह से ये ऐप जो है ये पूरे मुल्क की ये ऐप होगी, ये इसमें सिर्फ कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा बल्कि इसमें फेडरल भी इसमें शामिल होगा और जो डिस्ट्रिक्ट हैं सारे उसमें भी, जितने भी मतलब गवर्नमेंट एसोसिएशन है उसके हवाले से जितनी अपडेट्स होंगी डिटेल्स होंगी वो इस ऐप के अंदर मिल जाएंगी।